गुजरात विधानसभा के इस प्रबोधन कार्यक्रम में 15वीं लोकसभा के अंदर चुने गए सभी माननीय विधायक महोदय का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष माननीय शंकर भाई, गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री जेठाबाई को भी मैं बधाई देता हूं कि उनको गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में अपने संसदीय दायित्वों को इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर सदन को चलाने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, संसदीय कार्य मंत्री श्री ऋषि भाई पटेल का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आपको जनता ने फिर से आपके नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार दी है और इस गुजरात के विकास को आगे बढ़ाने का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। हमारे बीच में सभी माननीय सांसदगण, प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे संसद में सहयोगी सीसीआर पटेल जी, पूर्व महामहिम पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष के नेता और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण विधायकगण, आप सबको गुजरात की जनता का सेवा करने का अवसर मिला है। मैं गुजरात की धरती को नमन करता हूं, जो धरती आध्यात्मिक धरती है, शक्ति की धरती है, सामर्थ्य की धरती है। जिस धरती ने आजादी के आंदोलन लड़ने वाले नेता पैदा किए, जिनके नेतृत्व में देश आजाद हुआ और केवल भारत आजाद नहीं हुआ, दुनिया के कई देशों को आजादी के आंदोलन चलाने की प्रक्रिया और किस तरीके से जन आंदोलन से स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है, इसमें योगदान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और उसके बाद भारत की इस नव निर्माण करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभभाई पटेल जी की धरती है। इस धरती पर संसदीय लोकतंत्र की अपनी जिंदगी की पहली शुरुआत कर जिन्होंने इस देश में दो प्रधानमंत्री के रूप में लगातार नेतृत्व किया, जितना हमारा विशाल देश, विविधता वाला देश, विविध संस्कृति वाला देश, विशालतम संविधान, जीवंत संविधान,
और जितनी हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसके लिए देश के विकास में योगदान दिया। आज हमें खुशी है कि G20 के रूप में भी और विश्व के सर्वोत्तम नेता के रूप में भी जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने अपना संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत पहली गुजरात विधानसभा से की। साथियों, गुजरात का एक लंबा इतिहास रहा है। और इस इतिहास के अंदर जहां यहां लोकतंत्र की सशक्त प्रणाली रही है, वहीं दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर कई 100 साल कई 200 साल जब हम विदेश में जाते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे अफ्रीका का वह सबसे अनडेवलप्ड देश हो, शायद दुनिया का सबसे विकसित देश हो, उस देश के अंदर भी 100 साल पहले 2 साल पहले, अभी मेरी केन्या और तंजानिया की यात्रा हुई, उसके पहले मैं युगांडा गया, इन देशों के अंदर भी मैंने देखा कि किस तरीके से वहां के आर्थिक और सामाजिक विकास में गुजरात के लोगों का योगदान रहा। उनकी कर्मठता, उनका परिश्रम, उनकी मेहनत, जिसके कारण उस देश के विकास में योगदान दिया, लेकिन उसके साथ उस समाज के अंदर रहकर उसी समाज की परंपराओं और रीतियों में रहे, लेकिन अपनी परंपरा, अपना धर्म, अपने रीति रिवाज को निछोड़ा, ये गुजरात की परंपरा है। और इसीलिए गुजरात ने औद्योगिक विकास का एक नया ढांचा भारत को दिया। आज भारत के अंदर प्रतिस्पर्धा है औद्योगिक विकास की, सामाजिक परिवर्तन की, लेकिन आज भी गुजरात का औद्योगिक विकास, यहां के लोगों का सामाजिक जीवन परिवर्तन करने में यहां की सरकारों का, यहां के जो भी पूर्व नेता रहे उसने अपने विजन से गुजरात के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब 15वीं विधानसभा के रूप में आपको इस गुजरात की जनता का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। बड़े विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपको यहां पर चुनकर भेजा है। एक जनप्रतिनिधि के नाते आप उनके जीवन में परिवर्तन करने के लिए, उनकी अभाव, समस्याएं, कठिनाई, परेशानियों को समझते हुए इस विधानमंडल में उस जनता की आवाज बनना और जनप्रतिनिधि का दायित्व तो यही होता है कि वह जनता की भावनाओं को समझे और सदन के माध्यम से उनकी कठिनाइयां, अभाव, चिंताओं को सदन में व्यक्त कर उसकी समस्याओं का समाधान करें। और मुझे खुशी है कि गुजरात विधानसभा के अंदर 80 से ज्यादा सदस्य पहली बार निर्वाचित होकर आए हैं, और इसलिए
यहां अनुभव वाले लोग भी हैं और नवीनतम पहली बार चुनकर आए माननीय सदस्य भी हैं और पहली बार 15 महिला से ज्यादा सदस्य यहां पर चुनकर आए, जिसमें 8 महिला सदस्य पहली बार चुनकर आए। ये गौरव इसलिए भी है कि संविधान के अंदर और संविधानिक प्रक्रियाओं के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव के असेंबली के प्रारंभिक दिनों के अंदर भी इन संस्थाओं को चलाने में भी सबसे पहले नेतृत्व रहा तो स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल जी का रहा, गणेश भाई मावंकर का रहा। तो एक गौरव है गुजरात का, चाहे आजादी का आंदोलन हो, चाहे संसदीय प्रक्रियाओं, प्रपाटियों, परंपराओं, संसदीय नियम बनाने में हो, उन सब में कहीं ना कहीं गुजरात के लोगों का अग्रणी योगदान रहा, दिशा देने का योगदान रहा। और इसीलिए इस विधानसभा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जिस तरीके से गुजरात का गौरव है, यहां का इतिहास है, यहां की गौरवशाली परंपराएं हैं, यहां का नेतृत्व है, हमें बहुत बड़ा सौभाग्य इस विधानसभा में बैठने का मिला है, तो हम उस परंपराओं, प्रपाटियों, नियमों, संवैधानिक दायित्वों को और आगे बढ़ाएं। किस तरीके से हम संसदीय लोकतंत्र के अंदर इन विधान मंडलों का गौरव बढ़ाने का काम करें। और इसलिए हमारे कई माननीय विधायक गण हैं, आपको शिक्षण प्रशिक्षण का अनुभव तो जिंदगी भर लोगों को मिलना चाहिए। जितना लोग शिक्षण प्रशिक्षण करेंगे, हमेशा कहीं ना कहीं विद्यार्थी रहेंगे तो हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान मिलता रहेगा। लेकिन मेरा अनुभव है कि जितने माननीय विधायक गण संविधान, विधानसभा के नियम प्रक्रियाएं, यहां की उच्च कोटि की चर्चाएं, संवाद, यहां की उच्च कोटि की परंपराएं, उन सब का हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम जब नियम प्रक्रियाओं को समझेंगे, यहां की पुरानी डिबेट को देखेंगे, तो हम जब चर्चा संवाद करेंगे, वाद विवाद करेंगे, तो बहुत तर्क से करेंगे। यहां पर बनने वाले नियम प्रक्रियाएं, कानून, इस गुजरात की विधानसभा में बने कानून नियमों से गुजरात में बहुत औद्योगिक सामाजिक विकास हुआ है। तो किस तरीके की चर्चा होती थी, संवाद होता था, कानून बनाते समय कैसी भागीदारी होती थी, यह हमें यहां की पुरानी डिबेट और चर्चाओं को भी पढ़ना चाहिए और उसके ज्ञान को भी प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जनता से को बहुत आपसे अपेक्षाएं हैं और स्वाभाविक रूप से जनता को अपेक्षा आकांक्षा भी होनी चाहिए। एक विकसित राज के रूप में आप तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उन अपेक्षाएं आकांक्षाओं को हम कैसे पूरी कर सकते हैं। इसलिए सदन में डिबेट हो, डिस्कशन हो, जितनी बेहतर तरीके से डिबेट और चर्चा हम करेंगे, उतने ही जो आपने कहा सर्वश्रेष्ठ विधायक
सर्वश्रेष्ठ विधायक वो होता है जो चर्चा करे, डिबेट करे, कानून के बारे में जानकारी करे, जब कानून लाने का काम सरकार करे तो जहां आवश्यक हो रचनात्मक सुझाव दें, क्योंकि हर सरकार कानून बनाते समय उसका विचार रहता है कि कानून बेहतर बने, और कानून से ही हम आर्थिक सामाजिक कल्याण किया हमने। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, हमने जो कुछ भी परिवर्तन किया देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में, इन संस्थाओं के कानून बनाने से किया। इसलिए कानून में सक्रिय भागीदारी हमारी होनी चाहिए, और विशेष रूप से मैं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हम सब विधानसभा के अध्यक्षों की चिंता रहती है कि लगातार सदनों के अंदर चर्चा, डिबेट, कानून बनाने में सक्रिय भागीदारी, सदन की गरिमा मर्यादाओं के गिरती मर्यादाएं, ये हमारे लिए चिंता का विषय रहता है। हर विधानमंडल के अध्यक्ष का प्रयास रहता है कि हमारा लोकतंत्र जीवंत सक्रिय जब होगा, जब बहुत चर्चा हो, बहुत संवाद हो, डिबेट हो, हर व्यक्ति जहां आवश्यकता हो सरकार की नीतियों की आलोचना करने की आलोचना करे, जहां सरकार की नीतियां पॉलिसी उसका सकारात्मक सुझाव दे। लोकतंत्र के अंदर आलोचना शुद्धि यज्ञ है, लेकिन आजकल संस्थाओं के अंदर आलोचना करने की जगह आरोप प्रत्यारोप का जो परंपरा, जो आरोप प्रत्यारोप का जो नई परंपरा चली है, ये देश के संवैधानिक लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। ये संस्थाएं बनिए, हमारा लोकतंत्र बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं का विचार ये था कि संसदीय लोकतंत्र के अंदर जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति हो, अभावों की व्यक्ति हो, कठिनाइयों की, परेशानियों की हो, कानून बनाते समय चर्चा हो, सकारात्मक आलोचना हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार आरोप लगाने के लिए सदनों का उपयोग होने लगा है, यह हमारी संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के लिए उचित नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए जो कि हम इससे चर्चा संवाद का केंद्र बनाएं, और इसी के साथ साथ हम जब कानून बनाए तो इनपुट ले लोगों से, अलग अलग लोगों से सलाह लें, विशेषज्ञों से सलाह लें, और कानून के अंदर जितने कानूनी तरीके से आप बोलेंगे, कानून के पक्षों को ठीक से रखेंगे तो सदन में आपकी गरिमा बनेगी। कभी भी कोई विधायक, कोई भी सांसद नारेबाजी, शोरगुल करना या अवरोधक करना या गतिरोध करने से नेता नहीं बन सकता। जितने विधानसभाओं और लोकसभा से नेता बने, वह चर्चाओं से बने, अच्छी डिबेट से बने, संवाद से बने, वही देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ नेता बने। इसलिए आजकल नए तरीका चला है, नियोजित तरीके से सदन को गतिरोध करना, जो हमारे विधानसभा अध्यक्षों के सम्मेलन में कई बार चर्चा हुई, राज्यपालों के अभिभाषण में गतिरोध करना, ये संसदीय लोकतंत्र की अच्छी परंपराएं नहीं है। महामहिम जब राज्यपाल या राष्ट्रपति महोदय जब अभिभाषण के लिए आते हैं तो संवैधानिक रूप से सर्वोच्च रहते हैं, इसलिए चाहे किसी भी दल की सरकार हो, इस उच्च कोटि की परंपराओं को हमें निभाना चाहिए।
नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए, सदन की जितनी बैठकें उस बैठकों का सार्थक उपयोग होना चाहिए चर्चा संवाद के लिए। आपकी कोई विषय है, मुद्दा है तो आलोचना करने के लिए आपके पास नियम प्रक्रिया है, उस नियम प्रक्रियाओं के तहत आप बोल सकते हैं, लेकिन कम दिन सदन चलना उसके बाद भी गतिरोध पैदा करना ये संसदीय परंपराओं के लिए उचित नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि ये 15वीं गुजरात की विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बने जिसमें सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर अपनी बात को कहने का मिले। कई विधानसभाओं के उदाहरण है, नॉर्थ ईस्ट की कितनी विधानसभाएं जहां कभी गतिरोध नहीं होता, विधानसभाएं स्थगित नहीं होती, ऐसे ही गुजरात की इस विधानसभा को हमें गौरवशाली परंपरा को लागू करना चाहिए। हमारे सभी विधायक माननीय सभी विधायकगण संसदीय समितियों में सक्रिय रूप से भागीदारी करें, जितनी संसदीय समितियों के अंदर आप बैठेंगे, चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, उतना ही आपको ज्ञान का अनुभव होगा और उसका लाभ आप सदन के अंदर चर्चा और संवाद में आपको लाभ मिलेगा। इसलिए संसदीय समितियों के अंदर भी जो मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है उसमें भी आपका सक्रिय भागीदारी रहना चाहिए। मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि यह वर्ष हमारा अमृतकाल का वर्ष है, G20 का नेतृत्व करने का शुभ अवसर हमें मिला है। देश के अंदर हमारी प्राचीनतम लोकतंत्र है, हम इसलिए कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारी। हमारा लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र हमारे कार्यप्रणाली में, परंपराओं में, कामकाज में है। इसलिए लोकतंत्र हमें कोई देश सिखा नहीं सकता। इस G20 में हमने जिस तरीके के विषय रखे हैं, हमने वसुदेव कुटुंबकम की हमारे संस्कार संस्कृति की भावना रखी है, सारा विश्व हमारा परिवार है और इसीलिए हम एक पृथ्वी एक भविष्य एक परिवार की बात करते हैं। मुझे आशा है कि हम इस दिशा की ओर बढ़ेंगे और इसी केवड़िया की धरती गुजरात से हमने कुछ नई चीजें शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी ने एक संसदीय लोकतंत्र के अंदर की एक वन नेशन वन लेजिस्लेटिव और आज हम सभी विधानसभा की कार्रवाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। उन विधानसभाओं की पुरानी डिबेट, चर्चा, बजट, केंद्रीय विधानमंडल, राज्यसभा, लोकसभा की कार्रवाई हम एक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारी चर्चा डिबेट के लिए ये सारी एक नेशन एक लेजिस्लेटिव हमारे रिसर्च विंग और बेहतर हो, हमारी लाइब्रेरी और बेहतर हो, ताकि हम हमारे माननीय सदस्यों का जो बार बार हमारा आग्रह रहते हैं कि उनकी विधायी क्षमता को बढ़ाना,
उसके लिए प्राइड संस्था, विधानसभाएं, लोकसभाएं सब मिलकर इसी कार्य में लगी हुई है कि हमारे जितनी भी हमारी संसदीय संस्थाएं हैं उन संसदीय संस्थाओं के माननीय विधायकों की विधायी क्षमता बढ़े और किसी भी संस्था की उच्च कोटि की परंपराएं, परपाटी, गौरवशाली इतिहास वहां के सदस्यों के आचार व्यवहार के कारण ही बढ़ सकता है। और इसीलिए मुझे आशा है कि गुजरात की इस विधानसभा के अंदर हम एक नई दिशा से काम करना शुरू करेंगे जहां अच्छी चर्चा होगी, डिबेट होगी, गुणवत्तापूर्ण चर्चा होगी। उसके साथ साथ गतिरोध न होगा, ये संसदीय संस्थाएं आलोचना का केंद्र बने लेकिन आरोप प्रत्यारोप का केंद्र न बने, इन सारी परंपराओं को हम निभाएंगे। मुझे आशा है जो एक अच्छी परंपराएं परपाटियां यहां जब मुख्यमंत्री जी रहे नरेंद्र भाई ने डाली थी कि स्वर्णिम गुजरात महोत्सव में सबका गुजरात में जो विकास रहा, सबने योगदान रहा, उन सभी मुख्यमंत्रियों को, नेताओं को, सबको सामूहिकता के साथ जो योगदान रहा, उस योगदान में सबका योगदान, सबके साथ मिलकर योगदान, ऐसी परंपराएं इस गुजरात विधानसभा में डलिए कि विकास में सबका योगदान है। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी दृष्टि से योगदान दिया, नेताओं ने योगदान दिया, इसके कारण आज स्वर्णिम गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं। संविधान, संविधान की परंपराएं, संविधान के प्रति निष्ठा, एक अच्छी परंपरा भी यहां पर डाली जो संविधान की यात्रा शुरू हुई। ऐसी कई नई परंपरा हमारे नए अध्यक्ष जी के कार्यकाल में इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और गुजरात का गौरवशाली इतिहास बने, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं माननीय